हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। एक्सेस में अगर आप कोई रिजल्ट बना रहे हैं और एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू बना रहे हैं तो वो कैसे बनेगा ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक्सेस को ओपन कर लेना है। एक्सेस का इंटरफेस न्यू पेज लेने के बाद, न्यू डेटाबेस लेने के बाद कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा दो व्यू, एक डिजाइन व्यू मिलेगा, एक डेटा शीट व्यू मिलेगा, दिख रहा है ये। तो आपको करना क्या है, इन दोनों में से कहीं नहीं जाना, सीधा क्रिएट पे चले जाना। जैसे ही क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको क्वेरी डिजाइन, तो क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेबल को ऑफ करके एसक्यूएल मिलेगा, तो ये एसक्यूएल पे क्लिक कीजिएगा। अभी हमने कोई भी यहाँ पे फिलहाल टेबल या कुछ भी कोड लिखा नहीं है, तो ये ऐसा दिख रहा है। लिखेंगे कैसे, लिखना बड़ा आसान है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है, तो यहाँ लिखते हैं क्रिएट टेबल, ऐसे आपको करके लिखना होगा क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम देना है, जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्कूल टी लिख देते हैं, टेबल बना रहे हैं। और फिर यहाँ पर अब स्टूडेंट का नेम आएगा, तो जैसे मान लीजिए एक टाइटल हमने दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। अंडरस्कोर लगाइएगा जरूर, क्योंकि अगर गैप देंगे तो ये काम नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप मेंशन कर देते हैं कि यह टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप है, कॉमा दे देते हैं। कॉमा देने के बाद क्या करना है, सिंपली इनका एज टाइप करते हैं, तो ये एज हो गया। अच्छा, एज कौन सा डेटा टाइप हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ठीक है, तो ये फ्लोट डेटा टाइप दे दिया। फिर यहाँ कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद अगला स्टेप आएगा, जैसे मान लीजिए ये कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर का डेटा टाइप यहाँ मेंशन करेंगे, इंट रहेगा, इंट यानी इंटीजर, ठीक है। फिर यहाँ इंग्लिश का डेटा टाइप कर देते हैं, ये इंग्लिश हो गया, इसका भी इंट ही रहेगा। फिर यहाँ फिजिक्स का करते हैं, फिजिक्स, तो फिजिक्स का डेटा टाइप भी इंट ही रहेगा। फिर यहाँ कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद अगला डेटा अगला आएगा, तो यहाँ पर फिजिक्स के बाद यहाँ पे आएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, तो ये हो गया केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का डेटा टाइप इंट रहेगा। और इंट करके फिर यहाँ पर लास्ट बायो कर देते हैं, बी आई ओ एल ओ जी वाई, तो ये बायो हो गया, इसका भी डेटा टाइप इंट रहेगा। इसको बंद करेंगे और बंद करके यहाँ से टर्मिनेशन दे देंगे, बस आपका ये टेबल बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो टेबल बन जाएगा, यहाँ से एक बार देखना होगा, ये क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ से रन करवाएंगे। यहाँ पे देखिए एक कॉमा छूट गया है, जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बी कैपिटल कर देंगे, स्मॉल हो गया है, तो ये बी कैपिटल कर दिया हमने, अब हो जाएगा ये। यहाँ से जाकर के वापस इसको रन करवा देते हैं, तो ये रन हो गया, और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आया हुआ। लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू फिल करनी है, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं या क्वेरी से भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो ये देखिए इनका एज है लाइक 16, और यहाँ कंप्यूटर के मार्क्स आउट ऑफ 100 कितने मिले, ये सारी डिटेल यहाँ पर आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ टोटल होता हुआ नजर नहीं आएगा, ना टोटल का कॉलम नजर आएगा, ठीक है। यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, चाहे तो इंसर्ट इनटू कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स आएंगे, जो भी मार्क्स हैं तो वो मार्क्स फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इंसर्ट इनटू कमांड का यूज कीजिए, लेकिन यहाँ पर अब टोटल हमें करना है, ये हमारे साथ समस्या है। टोटल कैसे होगा ये भी समझना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से पहले इसको सेव कर देते हैं, क्वेरी वन के नाम से सेव कर देते हैं। अब एक नई क्वेरी बनेगी, तो यहाँ क्रिएट पे चल के, क्वेरी डिजाइन पे चल के, और यहाँ एसक्यूएल व्यू पे आएंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट कमांड जो लिखा हुआ है इसको रहने देते हैं, और कहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है वो देखना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट है, एज है, ठीक है, जो भी सेलेक्ट करना है जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना होगा, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, कॉमा देंगे। अब चूंकि डेटा टाइप वगैरह सब कुछ ऑलरेडी तो यहाँ मेंशन हमने कर ही दिया था, एज है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, तो यहाँ पे कॉमा दे दे करके एज एजी कॉमा कंप्यूटर फिर इंग्लिश, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो ये चलेगा नहीं क्वेरी, ठीक है। फिर क्या था वो भी देख लेते हैं, इंग्लिश के बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो यहाँ लिखते हैं फिजिक्स पी एच वाई एस आई सी एस कॉमा केमिस्ट्री सी एच ई एम आई एस पी आर वाई केमिस्ट्री कॉमा बायोलॉजी बी आई ओ एल ओ जी वाई, तो ये बायोलॉजी भी हो गया। सारा कुछ सेलेक्ट कर लेने के बाद ब्रैक यहाँ कॉमा लगा देंगे और यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। अब इन सबको हमें ऐड भी करना होगा, ये जो हमने लिया है ना, इन सबको ऐड करेंगे तभी तो टोटल आएगा। यहाँ तक अगर मान लीजिए कोई बच्चा कंप्यूटर इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में नंबर पाता है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बस हो गया इतना करके इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर क्या करना है आपको, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इसको एक नाम दे दीजिएगा एज टोटल, इसे हमने नाम दे दिया टोटल, तो जब ये क्वेरी चलेगी ना तो ये टोटल भी होकर के आएगा, आई बात समझ में।
तो यहां पर अब हम इसको चलाने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कंप्यूटर, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचों सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो अब हमें स्कूल टी, तो ये स्कूल टी कर देते हैं और अब यहां से टर्मिनेशन देते हैं और टर्मिनेशन दे करके अब इसको रन कराते हैं। अब ये रन हो जाना चाहिए, तो यहाँ क्वेरी पे चल के और यहाँ से ये रन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल भी हो रहा है, तो अब जो भी नाम लिखेंगे ना उनका टोटल भी होता चलेगा, ठीक है। जैसे एक नाम लिखता हूँ कुमुद और यहाँ पे इनकी एज है 19। अब यहाँ पे ये जो मार्क्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, तो जो भी मार्क्स है उनका टोटल अब आपको करने की जरूरत नहीं, ये खुद पे खुद होता जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान है एक्सेस में करना। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो फिर शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।